जब जब कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस कमजोर रही है, उसे संजीवनी के तौर पर किसी स्टेट में मेजोरिटी मिल जाती है। सवाल ये कि क्या अब जो रीस्टार्ट पहले किया था, फिर से उस रीस्टार्ट मोड में जाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल, देखिए भाजपा अगर यहाँ पे आई है तो भाजपा रीस्टार्ट मोड पे गई है, और कांग्रेस जो बोलते हैं ना आला कमान को अपना हंटर चलाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं वो कमजोर दिखाई देता है। और उस चुनाव दौरान ये लगा कि भाजपा के अगले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे, और जैसे यहाँ पे फैसला है वो चौंकाने वाला था, और इतने बड़े चेहरे को भाजपा ने साइलेंट कर दिया। तो कांग्रेस में आपने देखा होगा 2.5 साल तक दो बड़े नेता लड़ते रहे, पर आला कमान ने कोई जहमत नहीं उठाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भविष्य पर क्या बड़ा प्रश्न चिन्ह अब लग गया है? पॉपुलर सीएम भूपेश बघेल को सरकार ने नकारते हुए भाजपा को अच्छी खासी बहुमत जो है वो दी, लेकिन विश्लेषण होना अभी बाकी है। अजय जी हमें मिल गए हैं यहाँ पर। लगता है ये जो प्रश्न चिन्ह है, क्या ये कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में दी एंड है, या फिर और मजबूत बनकर नजर आएगी अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर? 2003 के बाद यहाँ पे भाजपा की सरकार आई थी, उस समय भी कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो कमजोर हो गई है, लेकिन कांग्रेस की एक परेशानी रही है, वो उसकी परेशानी वो खुद से है। कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही है, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी के जो परिणाम आए हैं उसमें भी कई सीटें ऐसे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी कि सीएम की कुर्सी को लेकर, कांग्रेस में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी कि सीएम कौन, और वो खींचतान आपने भी देखा होगा कि पूरे 5 साल चली, और अंततः जब फाइनल हुए भूपेश बघेल, उसके बाद 2.5 साल का फार्मूला बाहर आने लगा, मीडिया में खबरें तैरने लगी कि जो फार्मूला है सीएम को लेकर वो 2.5 साल को लेकर है। पर जब 2.5 साल जब बीत गया, उसके बाद ये लड़ाई और तेज़ हो गई, और उसका पूरा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। और आप देखेंगे कि जिस सरगुजा ने कांग्रेस को 14 सीटें दी थी 2018 में, उसी सरगुजा ने 2023 में कांग्रेस को 0 पे ला दिया। तो ये तो सीधा संदेश है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई में कांग्रेस ने अपनी सरगुजा की सीटें 14 सीटों गंवाई हैं, और बस्तर की 12 में से 4 सीटें ही अपने पास ले पाई। मतलब कह सकती हैं 14 सीटें पूरा कांग्रेस से कम हुई हैं, और 8 सीटें 12 में बस्तर संभाग में कम हुई है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही कहें तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि चेहरों को लड़ाई देखी होगी आपने। चुनाव से पहले ऐसा शुरू में आया भूपेश है तो भरोसा है नारा दिया, उसके बाद जब ये लाइन मुझे लगता है कि आला कमान के पास पहुंची, और कई तरह के अंदर से खबरें आई कि इसको लेकर जो वरिष्ठ नेता है वो आपत्ति जता रहे, तो नारा बदल गया, सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को दिखाता है। उसके बाद जब यहाँ पे प्रत्याशी चयन की बात आई, उसके बाद उसमें अपने अपने नेता अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए लगे थे। उसके बाद आपने देखा होगा सरगुजा से जब बृहस्पति सिंह की टिकट कटी, उन्होंने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए, तो उससे साफ है कि कांग्रेस का अपना जो अपने वजूद की जो लड़ाई है वो स्वयं से है। और जिस तरह से भूपेश बघेल यहाँ पे 5 सालों में ओबीसी कार्ड खेलते हुए अपने आप को इतना बड़ा कर लिया था, निश्चित रूप से भाजपा उसके सामने पूरे 5 साल परेशान दिखी है। वो अंतिम के जो 6 महीने थे भाजपा ने एक लाइन पकड़ा भ्रष्टाचार का, और उस लाइन को उन्होंने छोड़ा नहीं। हमने देखा होगा महादेव सट्टा ऐप को लेकर पूरे देश में सुर्खियां बनी थी, और इसको लेकर हमेशा सरकार कटघरे में थी। ईडी ने ताबड़तोड़ सैकड़ों छापेमारी की कार्रवाई की यहाँ पे, वो कांग्रेस के लिए परेशानी बना, और उसके बाद उसके बीच में आ गया पीएससी को डाला, उसको भी बीजेपी ने मुखरता से लिया और उसको अपने एजेंडे में शामिल किया। तो ये चीज़ें कांग्रेस के लिए परेशानी रही। और उसके बाद कई जानकारी हमें मिली कि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नेता दूसरे मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे उनको हराने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत की। लेकिन जब हम बात करते हैं, हमने देखा कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, हिमाचल में जीत हुई, तब सब ये कहने लगे, इस तरह की बातें कही जाने लगी कि अब जो है खोई हुई जमीन जो है वापस ली जा रही है, लेकिन अब जो अच्छी खासी बनी बनाई जमीन थी वो खो दी है यहाँ पर। देखिए निश्चित तौर पे जब जब कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस कमजोर रही है, उसे संजीवनी के तौर पर किसी स्टेट में मेजोरिटी मिल जाती है और सरकार में आ जाती है, फिर से लगता है कि कांग्रेस उसका अंतरकला। और सवाल ये कि क्या अब जो रीस्टार्ट पहले किया था, फिर से उस रीस्टार्ट मोड में जाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल, देखिए भाजपा अगर यहाँ पे आई है तो भाजपा रीस्टार्ट मोड पे गई है। जिस तरह के यहाँ पे 15 साल तक रमन सिंह एक चेहरा बनकर काम किया, और वो इतना बड़ा चेहरे थे कि उनको साइडलाइन कर पाना भाजपा के लिए आसान नहीं थी, लेकिन आज वो देखिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, और यही चीज़ें कांग्रेस नहीं करवाती है।
वो इतने कांग्रेस है, कांग्रेस के बीच में जो चेहरों की लड़ाई है वो इतने ज़्यादा चेहरे हैं, और कांग्रेस जो बोलते हैं ना आला कमान को अपना हंटर चलाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं वो कमज़ोर दिखाई देता है। और उसी के कंपेरिजन आप भाजपा में देखें तो पूरे चुनाव दौरान ये लगा कि भाजपा के अगले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे, और जैसे यहाँ पे फैसला आया वो चौंकाने वाला था, और इतने बड़े चेहरे को भाजपा ने साइलेंट कर दिया। तो कांग्रेस में आपने देखा होगा 2.5 साल तक दो बड़े नेता लड़ते रहे, पर आला कमान ने कोई जहमत नहीं उठाई अपने तरफ से, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। और हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी में जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, काफी बार हमें इन फाइटिंग नजर आई, बगावती तेवर जो है खुले तौर पर नजर आए, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की बात कर ले तो कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे कहीं बगावत करके इधर उधर ना चली जाएं, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। साइलेंटली सरेंडर करते हुए तीनों पूर्व मुख्यमंत्री दिखाई दिए भाजपा की तरफ से, लेकिन वहीं कांग्रेस में जब जब ऐसा मौका आया तो ये भी देखने को मिला कि आपसी कलह खींचतान। कांग्रेस की आपसी कलह ही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। और मैं वही बोला ना कि इस चुनाव में हार से ही कोई सीखता है, उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल थे ओपी चौधरी, जो प्रबल सीएम के दावेदार माने जा रहे थे, तो हार से उन्होंने सीखा। लेकिन कांग्रेस अगर इस हार से सीख नहीं लेती, निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा के चेहरे जीत कर आए हैं और उसमें युवाओं की चेहरा है, और वो युवाओं ने कांग्रेस के ऐसे ऐसे सुरमों को हराया है जो भी कभी कल्पना भी नहीं की होंगे कि ये चेहरे हार सकते हैं, और नए चेहरे इतने जीत कर आए हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा का जो लाइन सेकेंड लाइन तैयार हो रहा है वो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और आप देखेंगे इस चुनाव में लगभग मेरे को लगता है कि सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए पहला राज्य होगा जहाँ पे 9 मंत्री हारे हैं, 12 मंत्रिमंडल वाले सरकार में 9 मंत्री अगर आप हार जाएं तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की स्थिति किस हद तक खींचतान से गई होगी। जबकि आपने सुना होगा राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ हम डेफिनेटली जीत रहे हैं, मतलब यहाँ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। राजस्थान में कहा फाइट में है, MP में हम आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली आ रहे हैं, तो आप समझिए कितनी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अगर इस सरकार या छत्तीसगढ़ से अगर कांग्रेस की सरकार गई है तो सबसे बड़ा उसका कारण है भ्रष्टाचार के मामले में, जो BJP ने उन्हें बैकफुट में डाला और उसका काउंटर कांग्रेस नहीं कर पाई। और अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे विश्लेषणों की जरूरत है, की जाए इन सब बातों पर, बिंदुओं पर बातें, और ऐसी तमाम खबरें जो है आप छत्तीसगढ़ तक पर देखते रहिए। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ निधि तनेजा और अजय सोनी।